आ, हमारा सबक सूरत अरा कुरान आया नंबर वन एटी वन से हम शुरू करेंगे तो इन आयत में आज हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमानों में एक ज, जमात हमेशा हक पे रहेगी और हक़ की दावत देती रहेगी और फिर अल्लाह ताला ते भी फरमाते हैं कि आलमुल आमल़ैब कोई भी नहीं है पैगंबर भी आलमुल ग़ैब नहीं होते सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात आलमुल आल़ैब है फिर आयत नंबर वन एटी सेवन में कुछ قیامت <applause> کی نشانیاں ہیں انشاءاللہ تو ہم شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ نحمد ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اللہ... اله الا الله وحده لا شريك له <تصفح> واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري

وَمِنْ من خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدِرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون إن شاء الله سنبدأ بسرطة 181 سرطة الآراء سنبدأ بسرطة الآراء व और उन में से जिन्हें खलक ना खलक पैदा किया ना हमने उम्मतुन एक गुरो है यहदू ना वो रहनुमाई करते हैं बिलह की सात हक़ व और बिही साथ उसी के या दिलून वो अदल करते हैं अब हम इसका रनिंग ट्रांसलेशन देखते हैं हमारी मखलूक में एक गुरु ऐसा भी है जो ठीक ठीक हक़ के मुताबिक हिदायत और हकी के मुताबिक इंसाफ करता है तो अमायत की तरफ आते हैं फिर देखते हैं वम मन ना उम्मतुन और हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी भी है उम्मतुन एक गुरु एक जमात वो कैसी है जमात वो क्या करती है यहदूना बिलहकी और वो हक़ के मुताबिक हक के मुआफिक हिदायत करती है ठीक है लोगों को हिदायत देती है और क्या करती है वह भी ही या यादलून और साथ उसी के यानी हक़ के मुआफिक इंसाफ़ भी करती है हिदायत भी लेती देती है लोगों को हक़ के मुताबिक और इंसाफ भी हक़ के मुताबिक ही करती है तो एक जमात हमेशा ऐसी रहेगी अल्लाह ताला फरमाते हैं तो उसके बाद हम हदीसों में देखते हैं कि अल्लाह तरमा रहे हैं कि उम्मत मोहम्मद ससम के औसाफ यानी बाज़ लोग अधर है, हक अदल पर क़ायम हैं हकबाती ज़बान से निकालते हैं हक काम ही करते हैं हक़ की तरफ ही औरों को बुलाते हैं हक के साथ ही इंसाफ़ करते हैं और बाज़ आसार में मरवी है कि इससे मुराद उम्मत मोहम्मदिया अलैहि वसल्लम है चुनाचे हज़रत कतादा फरमाते हैं मुझे ये रिवायत पहुंची है कि जब नबी स इस आयत की तिलावत फरमाते तो फरमाते कि ये तुम्हारे लिए है तुमसे पहले ये वस मूसा कौम मूसा सलाम का था रबी बिन अनस रहमतुल्लाह रहमत फरमाते हैं कि हजूर सलम का इशाद है कि मेरी उम्मत में से एक जमात हक पर कायम रहेगी यहाँ तक कि ईसा वहाँ तक हजरत ईसा बिन मरियम उतरेंगे वो ख्वा कभी भी उतरें उसके बाद हम देखते हैं कि बुखारी और मुस्लिम में आप सत्सम फरमाते मेरी उम्मत का एक गुरु हमेशा हक पर ज़ाहिर रहेगा उन्हें उनसे दुश्मनी करने वाले कुछ नुकसान ना पहुंचा सकेंगे यहाँ तक के क़यामत आ जाएगी एक और रिवायत में है कि यहाँ तक के अल्लाह का अमर आ जाएगा और वो उसी पर रहेंगे उसके बाद हम अगली आयत देखते हैं आयत नंबर 182 आयत नंबर 182 में है व टू व ट्रांसलेशन करते हैं पहले व लजीना व और अल्लजीना जिन्होंने कजबू झुटलायातनायात आयत उनकी जमा ना हमारी बी आयातियाना हमारी, हमारी आयात को सनस तद रिजो हम इस नद्रिज आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे हम उन्हें सनस तद हम आ, अनकरीब हम आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे उन्हें मिन हाइसू मिन से हईसु जहाँ मिन हईसु जहाँ से ला या आलमून ला नहीं या आलमून वो इल्म रखते ला या आलमून नहीं वो इल्म रखते रवा तर्जुमा रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुटला दिया है तो उन्हें हम बतदरीज ऐसे तरीके से तबाही की तरफ ले जाएंगे कि उन्हें खबर तक ना होगी आयत को हम देखते हैं कज़बू वल्लीना और वो लोग कौन लोग कजबू जिन्होंने झुटलाया और वो लोग हमारी आयत को झुटलाते हैं बियातना बियातना हमारी आयत को तो उनके साथ क्या होगा सनसुहम हम अनतरी बदतरीज गिरफ्त में गिरफ्त में लिए जा रहे हैं तदरीज क्या स्तिद्राज क्या होता है আস্তে আস্তে डील देना ऐसे ऐसे उनको गिरफ्त में लेना ठीक है हम लिए जा रहे हैं मिनहाई सुला यालमून उस तौर पर कि उन्हें खबर भी नहीं है उसके बाद हम आयत नंबर देखते हैं 183 इंशाल्लाह व उम्ली व और उंगली मैं मोहल्लत दे रहा हूँ आखिर में जो या है वो बता रहा है मैं ना वह उंगली और मैं मोहल्लत दे रहा हूँ लहुम उन्हें इन्ना बेशक कई दी तदबीर मेरी फिर या आ गया तो मेरी कई दी तदबीर मेरी मतीन बहुत मजबूत है रनिंग ट्रांसेशन मैं उनको ढील दे रहा हूँ मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं है अब हम आयत की तरफ आते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं व उमली ली लहम मैं उनको मोहल्लत दे रहा हूँ या ढील दे रहा हूँ जो मान के नहीं देते हैं इन्ना बेशक कैदी मेरी चाल जो है आ, मेरी तदबीर जो है मतीन बड़ी मजबूत है मैं उनको मोहल्लत देता हूँ बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है और ये वही इस्तराज है जो बतौर इम्तहान अल्लाह तफरा व कौमों को देता है फिर जब उसकी मशीत पकड़ने की होती है उनको मुआज़ा करने की होती तो कोई उसे बचाने पर कादिर नहीं हो सकता जब अल्लाह ताला पकड़ने पे आता है ढील दे के उनको ढील दिए चला जाता है वो समझते हैं कि हम तो बस अल्लाह के चुने हुए हमें तो बहुत कुछ मिला हुआ है अल्लाह हमसे राज़ी हालांकि ऐसा नहीं होता है तो अल्लाह ताली उनको ढील दे रहे होते क्योंकि उसकी तदबीर बड़ी मजबूत है तो हम देखते हैं आयत नंबर वन एटी टू वन एटी थ्री यानी सामान्य तायूश की कसरत अताब इलाई भी है अगर तयुश बहुत सामान कसरत से मिला हुआ है तो ये अल्लाह ताला का अजाब भी होता है अल्लाह ताला की ढील भी होती है अल्लाह ताला उनको ढील दे रहे थे यानी ऐसे लोगों को रोज़ी में कुशादगी दी जाएगी माश की आसानियाँ मिलेंगी इकोनॉमिकली वो उनको बहुत कुछ मिला हुआ होगा वो धोखे में पड़ जाएंगे और हक़ानियत को भूल जाएंगे जब पूरे मस्त हो जाएंगे और हमारी नसीहत को कई गुजरी हुई कर देंगे तो हम उन्हें अर तला के आराम देंगे यहाँ तक के वो मस्त हो जाएंगे तब उन्हें हम नागानी पकड़ में पकड़ लेंगे उस वक्त वो मायूसी के सामने मुँह तकते रह जाएंगे और उन जालमों की रख कट जाएगी यकीनन तारीफ़ों के लायक सिर्फ अल्लाह ताला ही है इन्हीं में तो उन्हें मैं तो डील दूंगा और मेरे इस इस दाव से बेखबर होंगे मेरी तदबीर कभी नाकाम नहीं होती अल्लाह ताला फरमाते वो बड़ी मजबूत और मस्तकम होती है अच्छा उसके बाद हम देखते हैं आयत नंबर वन एटी

हुआ वो इल्ला मगर नजीरुम डराने वाला मुबीन खुल्लम खुल्ला यानी ट्रांसलेशन और क्या उन लोगों ने कभी सोचा नहीं उनके रफ़ीक मोहम्मद ससम पर जुनून का कोई असर नहीं है वो तो एक ख़बरदार है जो बुरा अंजाम सामने आने से पहले साफ साफ मुतनबे कर रहा है अब आयत को देखते हैं अवलम क्या भला नहीं अतफ़क् उन्होंने गौरव फिक्र किया क्या उन लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया गौर वफिकर नहीं किया क्या, क्या? मा, मा भी मिन जिन्नतिन के उनके साथी को यानी आप को जरा भी जुनून नहीं है ये इसको जुनून कहते हैं कि ये तो दीवाने हो गए और जुनून है उनको बल्कि अल्लाह ताला फरमाते इन हुआ अजीर मुबीन वो तो सिर्फ एक साफ साफ डराने वाले हैं खबरदार करने आए हैं कि अल्लाह की मान के नहीं चलोगे तो क्या अंजाम होगा और अल्लाह की मान के चलोगे तो जन्नत है वरना तो साहिब से मुराद जो है, भी ही, भी, भी ही। तो से मुराद सल्थ की जाते ग्रामी है जिनकी बाबत मुश्किन कभी साहिर और कभी मजनून आप को कभी साहिर कहते थे कभी मजनून कहते थे तो नवजबिल्ला और अस्तफर कहते थे अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी जो है तुम गौर वफिक नहीं करते तुम तदब्बर नहीं करते तो ये तुम्हारी अदम तफक्कुर का नतीजा है वो तो तुम्हारे पैगंबर हैं जो हमारे अहकाम पहुंचाने वाले किसके अहकाम पहुंचाते थे तमाम नबी और भी अल्लाह ताला के अहकाम पहुंचाने वाले और जो लोग अल्लाह के अहकाम से गफलत में पड़े हुए हैं जो उनसे गफलत और, और अल्लाह के कलाम से एराज बरतते हैं गफलत में पड़े हुए हैं मान के नहीं देते उनके लिए नज़ीराम मुबीन है उनको खुल्लम खुल्ला डराने वाले हैं आयत भी आती थी ना जिनसे आप आयत से भी ज़ाहिर आयत भी है कुरान में आप डराते थे कि आपका अजाब है और इस गुनाह पे ये अजाब है उस गुनाह पे ये अजाब है तो सदाकते सदाकत रसालत पर, पर अल्लाह की गवाही अल्लाह तला आपकी सदाकत रसालत पे आपके रसूल होने की गवाही दे रहे हैं क्या इन काफरों ने कभी इस बात पर गौर किया कि जनाब रसूल अल्लासम में जुनून की कोई बात नहीं है वो साहिर नहीं है वो मजनून नहीं है जैसे आओ मेरी एक बात तो जरा सी देर खुलूस के साथ अल्लाह को हाजिर जानकर अकेले दुकेले गौर तो करो कि मुझ में कौन सा दीवाना है, मैं तो तुम्हारे तुम्हें आने वाले सब खतरे की इतला दे रहा हूँ कि उससे होशियार रहो और आप सलम जो है नबूवत से पहले वहीं बड़े होते हैं इन्हीं लोगों में मक्का के लोगों में मक्का में उनके बीच में और वो शादी कुरैना आपको कहते थे और जैसे ही आप पर कुरान नाजिल हुआ तो ये खिलाफ हो गए तो आप सलम फरमा रहे मैं तो तुम्हें आने वाले सब खतरे की इतला दे रहा हूँ कि उससे होशियार रहो जब तुम ये करोगे तो खुद इस नतीजे पर पहुंच जाओगे कि मैं मजमून मजनून नहीं बल्कि अल्लाह का पैगाम देकर तुम में भेजा गया हूँ हजूर आप सबको पता है कि ये वाक याद होगा कि एक मतफा सफा पहाड़ पर चढ़कर कुरैशियों के एक एक कबीले का अलग अलग नाम लेकर उन्हें अल्लाह के अजाबों से डराया क्योंकि वहां तो कोई लाउड स्पीकर नहीं होते थे तो वहां पे कानून था कि लोग पहाड़ों पर चढ़ के बुलाते थे या सवा करके बुलाते थे तो आप सम ने भी ऐसा ही किया था आप सबको मालूम है तारीख तो आप पहाड़ पर सफा के पहाड़ पर चढ़कर कुरेशियों के एक एक कबीले का अलग अलग, अलग नाम लेकर उन्हें अल्लाह के अजाब से अजाबों से डराया और इसी तरह सुबह कर दी तो इस बात पर बाज लोग कहने लगे कि दीवाना हो गया है अस्त नावज उस पर यह आयत नाजिर हुई थी कि ये माँ भी साहिबी मिन जन्नतिन तुम्हारे साथी जो हैं, तुम्हारे साहब जो हैं उन्हें कोई जुनून लाख नहीं हुआ है इन हुआ अल्ला नज़ीरुमबीन वो तो अल्लाह की तरफ से कुल्लामुल्ला डराने वाले है के अल्लाह की मान के नहीं चलोगे अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे किताब कुरान को नहीं मानोगे तो फिर जो है उस खतरे से भी डरो कि अल्लाह का अजाब है वो और जन्नत दौजक अल्लाह ने बनाई है उसके बाद हम देखते हैं आयत नंबर वन एटी फाइव अव अ क्या व भला लम नहीं यान जरू उन्होंने देखा फी मलकूती फी में मलकूत बादशाह मलकूती बादशाहत में असमावाती आसमानों की समावात असमा की जमा है वल अर्दी व और अल अर्दी जमीन की व और माँ जो भी माँ का तब माँ का मतलब नहीं भी होता है या जो भी है माँ व और माँ जो भी खलका पैदा की अल्लाह अल्लाह अल्ला अल्ला ने मिन कोई चीज व और उम्मीद है अन के यकूना हो कद कद तरबा इक तरबा करीब आ चुकी अजलुहम अजल मुद्दत हम उनकी अजलुहम मुद्दत उनकी फबी तो साथ किस हदीसिम बात के बादहू बाद उसके यु, मिनून वो ईमान लाएंगे हदीस का मतलब बात ठीक है तो हम रनिंग ट्रांसलेशन देखते हैं क्या उन लोगों ने आसमान और जमीन के इंतज़ाम पर कभी गौर नहीं किया और किसी चीज़ को भी जो खुदा ने पैदा की है आंखें खोलकर नहीं देखा और क्या ये भी उन्होंने नहीं सोचा कि शायद उनकी मोहल्लत ज़िंदगी पूरी होने का वक्त करीब आ लगा हो फिर आखिर पैगंबर की इस्तम्बी के बाद इस हदीस के बाद और कौन सी बात ऐसी हो सकती है जिस पर ये ईमान लाएं तो आयत की तरफ हम आते हैं अवलम यान जरूरफिस समावाती वलम यान जरूरफी मलकूतिस समावाती वल और क्या उन लोगों ने गौर नहीं किया आसमानों और जमीन के आलम में उसकी बादशाहत में उसकी बादशाह तो जमीन और आसमान पर है आसमान में है वमा खलक अल्लाहु मिन शैइन और दूसरी चीजों में भी जो अल्लाह ने पैदा की हैं, सब में उसकी बादशाह है वह अन असा अन और ये कि उम्मीद है कि वो क्या है उम्मीद है क्या उम्मीद है कदिक तरबा अजल और इस बात में मुमकिन है कि उनकी अजल करीब ही आ पहुंची हो यहाँ ये बताया जा रहा है कि मतलब यह है कि इन चीज़ों पर भी अगर ये गौर करें तो यकीन अल्लाह पर ईमान ले आएँ उसके रसूल की तस्दीक और उसकी अतात इख्तियार करें अगर ज़मीन और आसमान में ग़ौर करें और जो कुछ उनके दरमियान है और अल्लाह की बादशाह सब जगह है तो इन में गौरव फिकर करें आयात कौनी में आयत कौनी होती हैं कायनत में गौर व फिक्र करना तो अ, 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 मतलब यह है कि इन चीज़ों पर भी अगर ये गौर करें तो यकीन अल्लाह पर ईमान ले आएंगे उसके रसूल की तस्दीक और उसकी अतात इख्तियार लें और उन्होंने जो अल्लाह के शरीक बना रखे उन्हें छोड़ दें और इस बात से डरें कि उन्हें मौत इस हाल में आ जाए कि वो कुफर पर कायम हो तो काफिर तो क्या होंगे वो तो जन्नत में जाएंगे नहीं ना उसके बाद हम देखते हैं कि फी हदी हदीसिम हदी सिम बाहू फिर ये कुरान के बाद कौन सी बात पर ये लोग ईमान लाएंगे अगर कुरान ही पर ईमान नहीं लाएंगे तो कौन सी बात पर ईमान लाए हदीस हदीस से मुराद यहाँ कुरान करीम है यानी नबी करीम के अंदाज़ और तहदीद और कुरान कुरान करीम के बाद भी अगर ये ईमान ना लाएं तो उनसे बढ़कर उन्हें डराने वाली चीज़ क्या होगी क्योंकि अल्लाह तला ने तो खोल खोल के हर चीज़ बयान कर दी है ना इसमें सारी रूलिंग्स हैं सारे अहकाम हैं और जो है जजा व सजा सब कुछ अब हर चीज खोल खोल के अल्लाह ने बयान की है तो कुरान करीम के बाद भी अगर ये ईमान ना ला लाए तो उनसे बढ़कर उन्हें डराने वाली चीज क्या होगी जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हो और फिर ये उस पर ईमान ना लाए तो हम देखते हैं अल्लाह अब इसमें बताया गया शैतानी चक्कर अल्लाह तला जल्द की इतनी बड़ी वसी बादशात में से और ज़मीन व आसमान की हर तरह की मखलूक में से किसी एक चीज़ ने भी बादस गौर व फिक्र उन्हें ये तौफीक ना दी कि ये बाईमान हो जाएं और रब को बेनज़ीर और बेशुबा वाहदो फरमा फ़र्द मान लेते और जान लेते कि इतनी बड़ी ख़ल्क का खालिक इतने बड़े मुल्क का वाहिद मालिक ही इबादतों के लायक है फिर ये ईमान कबूल कर लेते और उसी की इबादतों में लग जाते और को शिर्क को कुफ्र को, कुफ को और शिर कोफ कुफ्र से यकसू हो जाते शिर कुफ़ को छोड़ देते उन्हें डर लगने लगता कि क्या खबर हमारी मौत का वक़्त करीबी आ गया हो कदी तरबा अजल हूँ क्या, क्या 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 हमारी मौत का वक़्त हमारी अजल हमारी मुद्दत करीब आ लगी हो और फिर क्या करते वो हम कुफ़र पर ही मर जाए तो अब भी सजाओं में पड़ जाएंगे जब उन्हें इतनी निशानियों के देख लेने के बाद इस कदर बातें समझा देने के बाद भी ईमान और यकीन ना आया अल्लाह की किताब और उसके रसूल सम के आ जाने के बाद भी ये राय रास पर ना आए तो अब ये किस बात को मानेंगे फिर ये किस बात को मानेंगे तो हम देखते हैं कि मसंद अहमद की एक हदीस में है रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि मराज वाली रात जब मैं सातों आसमान सातवें आसमान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि गोया ऊपर की तरफ बिजली की कड़क और खड़खड़ाहट हो रही है मैं कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंचा जिनके पेट बड़े बड़े घरों जितने ऊंचे थे जिनमें सांप फिर रहे थे जो बाहर से ही नजर आते थे मैंने हजरत अलैहिस्सलाम से दरियात किया कि ये कौन लोग हैं तो उन्होंने बताया <coughs> 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 मैंने जबरील अलैहिस्सलाम से दरियाफ किया कि ये कौन लोग हैं तो उन्होंने बताया ये सूत खोर हैं जब मैं वहां से उतरने लगा तो आसमान अव्वल पर आकर मैंने देखा नीचे की जानब धुआं गुबार और शोर मैंने पूछा ये क्या है अलैहिस्सलाम ने कहा शयातीन है जो शयानी खुरमियों और धींगा मस्तियों से लोगों की आंखों पर पर्दे डाल रहे हैं कि वो आसमान और जमीन की बादशाह की चीजों में गौर फिक्र ना कर सके अगर ये बात ना होती तो बड़े अजायबा देखते इसके आ, बड़े ये बहुत बड़े बड़े अजायबात देखते हैं तो ये शैतान की चाल और मकर है उसके बाद हम देखते हैं आ, आयत नंबर वन सिक्स लफ्जी तर्जुमा मन जिसे युद्ध लिल भटका देता है अल्लाह अल्लाह अल्ला, फला फा दिया कोई हिदायत देने वाला हम दुआ भी करते हैं ना अल्लाह जल्द हादिया मा माह ये दुआ भी आ, हम लोगों ने सीखी हुई है ना पढ़ते हैं ना तो हादी हादिया को ही हिदायत देने वाला लहू उसे वरू हम जरू वो छोड़ देता है हम उन्हें जरू हम और वो छोड़ देता है उन्हें फी तुगियान हिम फ़ी में तुगयान सरकशी हिम उनकी फी तुगियान हिम उनकी सरकशी में या माहून वो सरगिरदा फिरते हैं अच्छा अभी तदबीर तो मैंने स्क्रीन पे ली नहीं है लेकिन फी तुगयानिम या महून कौन बताएगा कहाँ है ये आयत तो बताएगा अनम्यूट करके बकरा में है ना शुरू में बकरा के भी शुरू में है ना आज जाके देख लीजिए शुरू की आयतें आप खोलिएगा तो फी तुगयानिम या महून भी है ठीक है अच्छा अब तर्जुमा देखते हैं हम इन जिसको अल्लाह रहनुमाई से महरूम कर दे उसके लिए फिर कोई रहनुमा नहीं है और अल्लाह उन्हें इनकी सरकशी ही में भटकता हुआ छोड़े देता है अब मुझे बताइए यहाँ पे है मई मईदलू तदबी करेंगे आपने कुछ पिछली पिछले दस में कुछ चीजें पढ़ी थी जिसमें था मईदली कौन बताएगा किस में पढ़ा था आपने में भी आता है ना जी 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 हाँ खुतब जुमा में भी है तो मैं आप मई उदिल्लाहू शुरू के तीन वर्ड देखें इसकी तदबीक करें आप खुतबे में दूसरी लाइन के पहले वर्ड देखें दूसरी लाइन के पहले तीन वर्ड्स ठीक है तो आपकी तदबीक हो गई सही है करेक्ट चलो अच्छा अब हम इसका आ, आयत की तरफ आते हैं मई उदलिल्लाहु जिसे भटका देता है अल्लाह जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे जिसको अल्लाह ताला भटका दे फलाह हादियाला तो उसको कोई राह पर नहीं ला सकता फला हादिया तो उसको कोई हाथ पर तो उसको कोई राह पर नहीं ला सकता फी वाहू और अल्लाह ताला उनको उनकी गुमराह में भटकने भटकते हुए छोड़ देता है तो अब ये मतलब नहीं कि अल्लाह को ये कहे कि मुझे तो अल्लाह नहीं भटका दिया अल्लाह ही नहीं चाहता था नहीं अल्लाह को मैंने पिछली दफा भी बताया था कि अल्लाह की को तो सब मालूम है अल्लाह लतीफ़न खबीर है अल्लाह को पता था कि कौन बंदा क्या करेगा ठीक है कौन शक्की है और कौन बदबक है और आपने पिछली दफ़ा ये भी पढ़ा था कि जो है पिछली आयतों में फरिश्ता चौथे महीने में जो है अल्लाह ताला कहते हैं कि माँ के पेट में जब मादरे रहम में बच्चा होता है तो वो चार चीजें लिख के चला अल्लाह ताला उसको हुक्म देते तो वो लिख देता है उसकी उम्र उसका वो बदबक हो गया या खुश नसीब होगा उसके अमल हर चीज़ वो लिख लिख दिया जाता है चौथे महीने में अल्लाह के इल्म में सब कुछ था जब अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई ज़मीन व आसमान और इंसानों को पैदा किया तो उसके इल्म में सब कुछ था तो ये हाँ तो हम देखते हैं वन एटी सिक्स मेरी निशानियाँ और तालीम गुमराहों के लिए बेसूद हैं जिस पर गुमराही लिख दी गई उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता वो चाहे सारी निशानियाँ देख ले, लेकिन बेसूद अल्लाह का इरादा जिसके लिए फितने का हो तो उसका कोई इख्तियार नहीं रखता मेरा हुक्म तो यही है कि आसमानों और जमीन की आ, मेरी बेशुमार निशानियों पर गौर करो लेकिन ये जाहिर है कि आयात और डरावे बेईमानों के लिए सूदमंद नहीं होते बेईमानों को बिल्कुल फायदा नहीं देते फिर हम देखते हैं आयत नंबर हमारी वन एटी सेवन यस अलू का वो सर यस अलू का वो पूछते हैं आपसे यसअलू लूना वो पूछते हैं का आपसे यस अलूना का वो पूछते हैं आपसे अनिसी अन से घड़ी अन उस घड़ी के बारे में यानी के क्यामत के बारे में और अरेबिक एर, में सा घड़ी को जो रिस्ट वॉच हम बांधते हैं अपनी कलाई पे और दीवारों को उसको सा कहते हैं अना कब है मुरसाहा ठहरना उसका कुल कह दीजिए इनमा बेशक इमुहा इल्म हा, उसका इल्म, इल्म उसका इंदा पास है रबी, मेरे रब के या बताता है मेरे ठीक है मेरे रब के ला ली ला, ला नहीं हा जाहिर करेगा युजली ज़ाहिर करेगा हा उसे तजली सलाम ने भी फरमाया था कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ तो अल्लाह ताला ने तजल्ली फरमाई थी पहाड़ पर तो ला नहीं युजल ली जाहिर करेगा उसे कयामत को ली वक्ती हा उसके वक्त पर हा यानि उसके लिवक तिहा उसके वक्त पर कयामत को ज़ाहिर करेगा उसके वक्त पर अल्लाह ताला इल्ला मगर हुआ वही ताकुलत भारी होगी फिस समावाती आसमानों में वल अर्दी व और अल अर्दी जमीन में ला याती कुम ला नहीं याती वो आएगी कुम तुम्हारे पास नहीं वो ला याती कुम नहीं वो आएगी तुम्हारे पास यानी कयामत इल्ला मगर बख्तन अचानक वो तुम्हारे पास कयामत जो है अचानक आएगी यस अलूना का यस अलूना वो पूछते हैं का आपसे आप, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यस अलूना का वो पूछते हैं आपसे कान का, काना गोया के का आप अन नका गोया के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफीयून पूरे बाखबर हैं अनहा उससे यानी قیامت कब आएगी उससे के जैसा है कि आप तो पूरे बाखबर हैं हालांकि कोई बाखबर नहीं कुल कह दीजिए इनमा बेशक इल्मुहा इल्म उसका इन द लाही ऐंदा पास अल्लाह ही अल्लाह के वलाकिना व और लाकिना लेकिन अखसरा अक्सर الناس लोग नहीं वो जानते। रनिंग ये लोग से पूछते हैं, आप कयामत की घड़ी कब नाजिल होगी कहो उसका इल्म मेरे रब ही के पास है उसे अपने वक्त पर वो ही जाहिर करेगा आसमानों और जमीन में वो बड़ा सख्त वक्त होगा अल्लाह हमें बचाए उस वक्त से वो तुम पर अचानक आ जाएगा ये लोग उसके मुतालिक तुमसे इस तरह पूछते हैं गोया के तुम उसकी खोज में लगे हुए हो कहो उसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है मगर अक्सर लोग इस हकीकत से ना वाकिफ हैं आयत की तरफ आते हैं यलूना का वो पूछते हैं आपसे तो क्या हुआ कि ये लोग अलूना का अनिस्सा ये लोग आपसे क़यामत के मुतालिक पूछते हैं तो सातुन जो है ना ये सात ही जो साफ है ना तो साज के मानिए घड़ी घड़ी या पल है ना आप कहते हैं ना एक घड़ी में ही हो गया एक घड़ी में बारिश हो गई एक घड़ी में मतला जो है साफ हो गया एक घड़ी में ये काम हो गया बच्चा गिर गया मेरे देखते देखते सामने बैठा था गिर गया तो एक लम्हे में एक पल में हो गया तो सा के मानिए घड़ी यानी लम्हा या पल एक पल तो तो सा के घड़ी लम्हा या पल के हैं क्यामत को सा इसलिए कहा गया है कि अचानक इस तरह आएगी कि पल भर में सारी कायनात हो जाएगी ये सूरत ये सूरत हिसाब के अतबार से क्यामत की घड़ी को सा से ताबीर किया गया है सूरत यानी जल्दी यानी ये जल्दी हिसाब के एतबार से क्यामत की घड़ी को सा कहा गया है अच्छा उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या पूछते हैं यह सलूना का अनिशा के अनासाह के ये कब इसका ठहरना कब है क्या पूछते हैं कि ये कब वाक होगी यानी इसका ठहरना कब है कोई चीज होती है तो ठहर जाती है ना जो हो रही होती है अयाना कि इसका ठहरना कब अब मुझे अयाना से एक बात याद आई कि कुरान के सॉरी मुझे याद आ गई आप लोगों को बता दू कि मेरी एक पड़ोसन थी उन्होंने अपने बच्चे का नाम रख दिया अयाना अब अना का मतलब है कब है अब कुरान का ये मतलब थोड़ी कि कुरान में मार रख दें जो रख दें अयाना रख दें कह रही है कुरान का बेचारी को मान ही नहीं पता था हालांकि इतने अच्छे अच्छे नबियों के नाम इसमें है इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं फुरान से फारूक रख सकते हैं है ना तो उन्होंने रख दिया अयाना बेचारी को मतलब तर्जमा नहीं आता था क्या था तो अयाना कब है मुर्साह ठहरना उसका कि वो आपसे सवाल करते हैं कि इस साह का जो लम्हा या पल है या वो घड़ी है क्यामत कब ठहरेगी यानी कब होगी यानी ये लोग आपसे सवाल करते हैं ये लोग आपसे क्यामत के मुतालिक सवाल करते हैं कि इसका वकू कब होगा यानी वो कब वकूफ़ पजीर होगी ठीक है तो उसमें ये बताया गया है कि आ, जो है यू अरसा यूसी ये जो है नूसी के मानी अज्बात हैं यानी कब ये क्यामत साबित या वाक होगी ठीक है कुल कुल कह दीजिए आप फरमा दीजिए इन नमा इन रबी इसका इल्म सिर्फ मेरे रब रबी के पास है यानी इसका यकीनी इल्म ना किसी फरिश्ते को है ना किसी नबी को अल्लाह के सिवा इसका इल्म किसी के पास नहीं है नबी भी गैब नहीं होते वही उसको अपने वक्त पर जाहिर फरमाएगा ठीक है उसके बाद ये पूछते हैं कि उसके वक्त पर उसके सिवा अल्लाह के कोई जाहिर ना करेगा वो आसमान और जमीन में बरा भारी भारी है तो कुल इन नमादा रबी ला इल्ला हुआ के इसके वक्त पर इसके सिवा इसको सिवाय अल्लाह के कोई जाहिर ना करेगा वो आसमान और जमीन में बड़ा भारी वक्त होगा हुआ क्या है सकूलत भारी होगा फिर समावाती बलरदी वो आसमान और जमीन में बड़ा भारी वक्त होगा उनके एक दूसरे मानिए इसका इल आसमान और जमीन वालों पर भारी है क्योंकि वो पोशीदा है वो और पोशीदा चीज लोगों पर भारी होती है ये ये इल्म हम पे, हमारे लिए क्यों भारी है क्योंकि पोशीदा है पता ही नहीं छुपा हुआ है गायब है तो पोशीदा चीजें लोगों पर भारी होती है तो इसलिए फरमाया सकुलत फिर समावत ही वल अर्दी ठीक है उसके बाद फरमाया कि ला, ला या ला इल्ला बख्तन ये वो तुम पर महज अचानक आ पड़ेगी और यह सलून का कान का हफीन अनहा और वो कहते हैं कि वो आप आप ससम इस तरह वो आप इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप इसकी तहकीकात कर चुके हैं हफीन यानी आपको इसकी पूरी खबर है आप इसकी पूरी तहकीकात कर चुके हैं इस तरह आपसे पूछते हैं ठीक है तो उसको हम देखते हैं कि इसके दूसरे मानिए कि इस काइम आसमान और जमीन वालों पर भारी है क्योंकि वो पोशिदा है और पोशिदा चीज पैगम्बर पोशिदा चीज लोगों पर भारी होती है हफियुन कहते हैं पीछे पढ़कर सवाल करने और तहक़ीक करने को यानी ये आपसे क़्यामत के बारे में इस तरह सवाल करते हैं गोया आपने रब के पीछे पढ़ कर इसकी बाबत इसके बारे में ज़रूरी इल्म हासिल कर रखा हो इस तरह आप ससम से पूछ रहे पूछते थे कि आपने या आपके रब, रब के पीछे पढ़े हैं इससे पूरे बाखबर हैं और आपने इल्म हासिल कर रखा कुल इन वाला किन्ना अख्तरनासी ला आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म खास के पास है लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते तो क्यामत का इल्म किसी के पास नहीं सिवाय अल्लाह के तो क्यामत कब और किस वक्त होगी ये दरियाफ करने वाले कुरैशी भी थे आप क्रैश के खानदान से थे आप जो के मक्का में पैदा होते तो कुरैशी जो थे वो पूछते थे और यहूदी भी पूछते थे कि क्यामत कब और किस वक्त होगी ठीक है यह सलू का अनसाती अना मुरसाह ठीक है तो किस किस वक्त होगी तो चूंकि आयत मक्की है इसलिए ठीक यही है कि क्रैशियों का सवाल था क्योंकि क्योंकि वो क्यामत के कायल ही ना थे इसलिए इस किस्म के सवाल क्या करते थे कि अगर सच्चे हो तो इसका ठीक वक्त बता दो इधर बेईमान इसकी जल्दी मचा रहे हैं उधर ईमानदार हक जानकर उससे डर रहे ईमान वाला क्या करता है क्यामत से डरता है बात सवालत नहीं करता है बात यह है कि जिन्हें इसमें भी शक है दूर दराज की गुमराइयों में तो वही है पूछा करते थे कि क्यामत कब वाक होगी जवाब सिखाया गया अल्लाह तला ने सिखाया इसके सही वक्त का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं है इसकी सही वक्त से वाकिफ उसी अल्लाह ही उसके सही वक्त से वाकिफ है बज़ इसके के किसी को इसके वाकए होने का वक्त मालूम नहीं है उसका इन जमीन और आसमान पर भी भारी है उनके रहने वाली सारी مخلوق इस इल्म से खाली है ثقلت في السماوات والارض वो भारी है वजह इसके कि किसी को इसके वाकए होने का वक्त मालूम नहीं उसका इम जमीन व आसमान पर भी भारी है उनके रहने वाली सारी मखलूक इस इल्म से खाली है वो जब आएगी सब पर एक ही वक्त होगी सबको जरूर पहुंचेगा आसमान फट जाएगा सितारे झड़ जाएंगे सूरज बे हो जाएगा पहाड़ उड़ने लगेंगे पहाड़ उड़ने लगेंगे इसीलिए वो सारी मखलूक पर गिरा गुजर रही होगी उसके वाक़ होने के सही वक्त का इम सारी मखलूक पर भारी है जमीन और आसमान वाले सब इस से आजिज और बेखबर हैं वो तो अचानक सबकी बेखबरी में ही आएगी कोई बुजुर्ग से बुजुर्ग फरिश्ता कोई बड़े से बड़ा पैगंबर भी उसके आने के वक्त का आलिम नहीं वो तो सबकी बेखबरी में ही आ जाएगी फरमाते हैं कि दुनिया के तमाम काम हसबे दस्तूर हो रहे होंगे जानवरों वाले अपने जानवरों के पानी पीने वाले हौस दुरुस्त कर रहे होंगे तिजारत वाले नापतोल में मशगूल होंगे कयामत आ जाएगी बुखारी शरीफ में है कि क्या क़ायम होने से पहले सूरज मगरिब से निकलेगा उसे देखते ही सब लोग ईमान कबूल कर लेंगे लेकिन उसका वक़्त ईमान उनके लिए बेनू बे, उस वक़्त उस वक़्त का ईमान उनके लिए बेसूद होगा जो उससे पहले ईमान ना लाए हों और जिन्होंने उससे पहले निकिया ना की हो क़्यामत इस तरह दफतन आ जाएगी कि वक़्ता अच्छा दफतन आ जाए कि एक शख्स कपड़ा फैलाए दूसरे को दिखा रहा होगा और दूसरा रे देख रहा होगा भाव ताव हो रहा होगा कि वा क्यामत वाकई हो जाएगी ना ये खरीदो फरोख कर सकेंगे ना कपड़े की तय कर सकेंगे कोई दूध धो कर आ रहा होगा पी ना सकेगा कि क्यामत आ जाएगी अपनी बकरी का दूध धो के आ रहा है अभी तो उसने मुंह से गिलास लगाया नहीं कि क्यामत आ गई कोई हौस दुरुस्त कर रहा होगा कि अभी जानवरों को पानी ना पिला चुका होगा कि क्यामत आ जाएगी कोई लुकमा उठाए हुए होगा अभी मुंह में ना डाला होगा तो क्या आ जाएगी मुस्लिम शरीफ में है कि आदमी दूध का कटोरा बर्तन उठाकर पीना चाहता होगा अभी मुंह से ना लगा पाएगा कि क्यामत कायम हो जाएगी कपड़े के खरीदार भी सौदा ना कर चुके होंगे कि क्यामत आ जाएगी हौज वाले लेपा पोती कर रहे होंगे कि क्यामत बर्पा हो जाएगी उससे इस तरह पूछते हैं गोया तू उनका सच्चा रफीक है ये तेरे पक्के दोस्त हैं इस तरह पूछते हैं गोया के तुझे उसका हाल मालूम है यानी आप सब किस तरह पूछते थे हालांकि किसी मुखरब फरिश्ते या नबी या रसूल को इसका इल्म इलमज़ नहीं है कोई आलिमैब नहीं है मेरी बहनों ना फरिश्ते हैं ना पैगम्बर है पैगम्बरों को भी उतना ही इल्म है जितना अल्लाह ताला ने दिया है किताबें दी और जो कुछ दिया आप ससम को जन्नत दौजक दिखा दी मेराज पे जाके जो कुछ दिखाए तो जितना इंडिया उतना ही है ने ये भी कहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो आपके कराबतदार हैं हमें तो बता दीजिए कि कयामत कब और किस दिन किस साल आएगी इस तरह पूछा कि गोया आपको मालूम है हालांकि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है जैसे फरमान क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है यानी यही माने ज्यादा तरजीह वाले हैं वल्लाहु आलम हजरत जबरी અને બીબ જબ અરબી કા રૂપ ધાર કર સાયલ કી શકલ મે આપ કે પાસ બેઠકર આપસે કયામત કે બારે મે પૂછા તો આપ સસને જવાબ દિયા કે ઇસકા ઇлм ના મુજે હે ના તુજે ઇસસે પહેલે કે સવાલા બતા ચુકે થે ઇસ સવાલ ઇસ સવાલ જવાબ મે આપ apni લાઈન મે ઝાહીર કરકે ફિર સૂરે લુક્માન કી આખરી આયત પડી કે ઇન પાંચ ચીઝો કો અલ્લાહ કે સિવા કોઈ નાહી જાનતા ય નંબર 1 क्यामत का इल्म बारिश का आना नंबर दो बारिश का आना नंबर तीन मादा के पेट के बच्चे का हाल नंबर चार कल के हालात नंबर पाँच मौत की जगह हाँ जब उन्होंने उसकी अलामतें पूछी तो हजू सरसम ने बता दी फिर आपने इसी आयत को तिलावत फरमाया जबकि जबील आसलाम आपके हर जवाब पर यही फरमाते जाते थे कि आपने सच फरमाया उनके चले जाने के बाद साहबा तो ने फरमा ये अमीन थे, तुम्हें दीन सिखाने थे, जब कभी वो मेरे पास जिस शकल में भी आये मैंने उन्हें पहचान लिया लेकिन इस मरतबा तो मैं खुद अब तक ना पहचान सका था अलहमद ला मैंने उसके तमाम तरीके कुछ संदों के साथ पूरी बहस करके बुखारी शरीफ की शराह के अवल में जिक्र कर दिए है ये जो है मुफसर कह रहे एक अराबी ने आकर बा आवाज बुलंद आपका नाम लेकर आपको पुकारा को तो आपने इसी तरह जवाब दिया उसने कहा आप से कर, जो है ना बद्दू लोग जो के लोग तो तो उसने कहा कब होगी तो आप ने फरमाया वो आने वाली तो कतन है तू बता तू ने उसके लिए क्या तैयारी की है हमें क्या फिक्र होनी चाहिए अल्लाह के रसूल क्या, क्या फरमा रहे हैं कि हमारी क्या तैयारी है अल्लाह के पास जवाब दे होने के लिए क्या तैयारे अल्लाह के पास किस मुंह से जाएंगे उसने जवाब दिया कि रोजे नमाज तो मेरे पास ज्यादा नहीं अलबा मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अपने दिल को लबरेज पाता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया इंसान उसी के हमरा होगा उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत रखता हूँ मोमिन इस हदीस को सुनकर बहुत ही खुश हुए कि इस कदर खुशी उन्हें और किसी चीज पर नहीं हुई थी आपकी आदत मुबारक थी कि जब कोई आपसे ऐसा सवाल करे जिसकी ज़रूरत ना हो तो आप उसे वो बात बताते जो उससे कहीं ज्यादा मुफीद हो इसीलिए उस उसल को भी फरमाया कि वक्त क्या फायदा देगा हो सके तो तैयारी कर लो तो जो जब उसने कहा ना कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से अपने दिल को लबरेज पाता हूँ भरावा पाता हूँ तो आप सच ने फरमाया इंसान उसी के हमरा होगा जिससे मोहब्बत रखता है तो अब हम हमें देखना है अपने आप से सवाल करना है कि हम किससे मोहब्बत रखते हैं अगर हम अल्लाह और रसूल ससम से मोबत रखेंगे कुरान से मोहब्बत रखेंगे इस पर अमल करेंगे इसको पढ़ेंगे सुनेंगे जानेंगे समझेंगे उस पर गौर वफिक करेंगे अमल करेंगे तो हम भी जो है रफ़ीक के साथ होंगे आप सार्थ सार्थ के साथ शहदा के साथ अनमतालीम के साथ होंगे अनमताम कौन है ज़रा बताएं कौन है कोई अनम्यूट करके बताएँ तो सूरतल्फात में पढ़ते हैं ना अनंता कौन है अनम तही इनाम याफ्ता लोग कौन है जिनके साथ हमें दुआ करनी चाहिए कि हम उनके साथ हों सिद्दीकीन जी तकंबर, हाँ जी और आ, ये तबाताबीन जी, जी जी वो अनमता अलीम सूरत फातिहा में है कि अल्लाह हमें अनमता में शामिल कर दे तो उसकी तफसीर जो है सूरत की आयत सिक्सटीन सिक्सटी में हमें मिलती है कि वो अम्बिया है और शोहदा है और जो है सिद्दीक और सालीन है तो अल्लाह ताला हमें उनमें से बना दे ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि सही मुस्लिम में है कि आराबी लोग हजूर से जब कभी क्यामत के बारे में सवाल करते तो आ, तो जो उनमें सबसे कम उम्र होता जो उनमें सबसे कम उम्र होता तो आप आ, जो कम उम्र होता तो आप उसे देख कर फरमाते अगर ये अपनी भाक भाक तक भाक तक तो उसके बुढ़ापे तक तो उसके बुढ़ापे तक ही तुम अपनी क्यामत को पालोगे उससे मुराद उनकी मौत है जो आखरत के बरसक में पहुंचा देती बाज रिवायत में उनकी इस कस्म के सवाल पर भाक 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 अलल इत्लाक यही फरमाना भी मरवी है कि इस नौ उम्र के बुढ़ापे तक क्यामत आ जाएगी ये इतलाक भी इसी तकलीब पर मजमूल है होगा यानी मुराद इससे उन लोगों की मौत का वक्त है वफात आपने फरमाया मैं जरा अनम्यूट करती हूँ कोई बहन भूल गई है ना तो मैं जरा अनम्यूट करती हूँ आप खुद ही कर ले प्यारी बहन अच्छा किसी गर, किसी घर से आवाज आ रही है अनम्यूट कर ले अपने आप अपने आप को म्यूट कर ले सॉरी अनम्यूट नहीं म्यूट कर लें अच्छा तो हम देखते हैं कि हाँ अब हम देखते हैं कि आपने ने फरमाया तुम मुझसे क्यामत के बारे में सवाल करते हो इसके सही वक्त तो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को है मैं हलफन बयान करता हूँ जमीन पर जितने मुतनफिस हैं उनमें से एक भी सौ साल तक बाकी ना रहेगा मतलब इससे यह है कि सौ साल तक इस जमाने के मौजूद लोगों से ये दुनिया खाली हो जाएगी कौन है मैं उनको अनम्यूट नहीं कर पा रही प्लीज किसी के घर से किसी बच्चे की आवाज है सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं प्लीज उनको म्यूट कर दे म्यूट कर दे अच्छा फिर हम देखते हैं कि फरमाते हैं कि मेराज वाली शब्द मेरी मुलाकात हजरत मूसा और ईसा से हुई क़यामत के वक्त का जिक्र आया वहाँ कयामत के वक्त का जिक्र चला वहाँ जब क़यामत के वक्त का जिक्र चला तो हजरत इब्राहिम की तरफ सब सबने बात को झुका दिया आप जवाब दिया कि मुझे तो इसका नहीं सब हज़रत हजराम की तरफ मुतवजा हुए यही जवाब मिला फिर हजरत की तरफ ईसाजह हुए तो आपने फरमाया इसके वाक होने का वक्त तो बजर अल्लाह के कोई नहीं जानता कौन फरमा रहा है ये ईसा सलाम मेराज वाले रात जो है बात हो रही थी तो ये फरमा रहे क्या फरमा रहे ईसा सलाम कि इसके वाकई होने का वक्त तो बजस अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता हाँ मुझसे मेरे रब ने फरमा रखा है कि दज्जाल निकलने वाला है मेरे साथ दो शाखें होंगी वो मुझे देखकर सीसे की तरह पिघलने लगेगा आखिर अल्लाह उसे मेरे हाथों हलाक कर देगा बस निशानियां हमें बता दी गई हदीसों में ठीक है कयामत की लेकिन वक्त किसी को नहीं पता, पता के अयाना मुरसा यहाँ तक के दरख्त तो और पत्थर भी अच्छा वो मुझे देखकर सीसे की तरह पिघलने लगेगा दज्जाल आखिर अल्लाह उसे मेरे हाथों हलाक करेगा यहाँ तक के दरख्त और पत्थर भी बोलने लगेंगे कि मुसलमान मेरे नीचे एक काफिर छुपा हुआ है और उसे कतल कर डाल जब अल्लाह ताला इन सबको हलाक कर देगा लेकिन गरकत का दरख्त होगा ना वो नहीं बोलेगा वो नहीं बोलेगा काफरों के और उनके मुताबिक जब अल्लाह इन सबको हलाक कर देगा तब लोग अपने शहरों और वतनों में लौटेंगे उस वक्त याजूज माजूज निकलेंगे जो कुत्ते फलांगते चारों तरफ फैल जाएंगे जहां से गुजरेंगे तबाही फैला देंगे जिस पानी से गुजरेंगे सब पी जाएंगे आखिर लोग तंग आकर मुझसे शिकायत करेंगे किससे हजरत से मैं अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह तला सबको हलाक कर देगा यानी उनको सबको अल्लाह तला हलाक कर देंगे और उनकी लाशों की सड़ान फैलेगी जिससे लोग तंग आ जाएंगे अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा जो उनकी लाशों को बहाकर समंदर में डाल आएगा फिर तो पहाड़ उड़ने लगेंगे और जमीन सुकड़ने लगेंगी जब ये सब कुछ ज़ाहिर होगा उस वक्त कयामत ऐसी करीब होगी जैसे पूरे दिन वाली हामला औरत के बच्चा जनने का जमाना करीब होता है कि घर के लोग होशियार रहते हैं कि ना जा ना जाने दिन को पैदा हो जाएगा या रात को इसे इबन माजा और मसद अहमद वगैरह ने रिवायत किया इससे मालूम हुआ कि क़यामत का इल्म किसी रसूल को नहीं हजरत ईसा आल्लाम को भी इसके अलामत बयान फरमाते हैं ना के मुकर वो सिर्फ अमत बयान फरमा रहे हदीस जो आपके सामने ईसा आल्लाम ना के मुकर वक्त इसलिए कि आप अहकाम रसूल ससम के जारी करने और दज्जाल को कत्ल करने और अपनी दुआ की बरकत से याजूज माजू कुछ को हलाक करने के लिए सुम्मत के आखिरी ज़माने में नाजिल होंगे और ईसीम भी देखे क्या पता चलता है इस से कि आप ससम के अहकाम को जारी करेंगे ठीक है वही शरीयत होगी रसूल तो करने के लिए उस उम्मत के आखिर ज़माने में नाजिल तो फरमाया इसका इल्म अल्लाह के पास ही है सिवाय उसके उसे और कोई नहीं जानता हाँ मैं तुम्हें इसकी शर्तें बतलाता हूँ इससे पहले बड़े बड़े फितने और लड़ाइयाँ होंगी लोगों के खून ऐसे सफेद हो जाएंगे गोया कोई किसी को जानता पहचानता नहीं है कोई रिश्तेदार नहीं पूछ रहा शादीशुदा औलाद आपकी नहीं है और बेटा आपको नहीं पूछ रहा है जो भी है कोई बेटी कुछ भी है तो भाई बहन मैके उद ननियाल ददियाल कोई भी रिश्ते जो हैं तो नहीं पूछ रहे हैं तो लोगों के खून ऐसे सफेद हो जाएंगे कि कोई किसी को जानता पहचानता नहीं आप कहती ना खून सफेद हो गए कोई किसी का नहीं तो आखिर ये सब क्यामत की निशाने है। आप इस आयत के उतरने से पहले भी अक्सर क्यामत का जिक्र फरमाते रहा करते थे बस गौर कर लो कि ये नबी ससम जो सैदुर रसूल है हैं नबीमा है नबी है अलमलह है आकिब हैं आकिब हैं मुखी हैं हाशिर हैं जिनके कदमों पर लोगों का हशर होगा उनका फरमान है कि मैं और कयामत इस तरह आए हैं और आपने अपनी दो उंगलियां जोड़ कर बताईं यानी शहादत की उंगली और उसके पास की उंगली लेकिन बावजूद इसके कयामत का इलम आप सल्लल्लाहु अलैहि को भी ना था और यही बात आपने उस आरबी से उस बद से उस गाँव के आदमी से क्या कहा कि तुमने क्या तैयारी की है तो हमें तैयारी करें आपसे जब सवाल हुआ तो यही हुक्म मिला जवाब दो कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है जब आपसे सवाल हुआ या का अनिसा, तो अल्लाह अल्ला ने क्या फरमाया कि इसका इल्म तो जवाब दीजिए मोहम्मद ससम के किसको है सिर्फ अल्लाह को है लेकिन अक्सर लोग बेल्म है ठीक है ये आपसे कहा गया कि क्या इसका इल्म किसको है सिर्फ अल्लाह को ही है अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा क़यामत के दिन विया बई नक और लोगों के दरम्यान ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा सूरज एक मील के फासले पर होगा जमीन आग की तरह जल रही होगी लोग नंगे पाओ नंगे बदन हाजिर होंगे और ऐलान किया जाए जैसे बच्चा पैदा होता है ना खतना भी नहीं हुई होती तो मर्द भी ऐसे होंगे ममताजुल योम अहल मुजरिमून ये आयत कहाँ पढ़ती हैं आप रोज पढ़ती हैं कहाँ पढ़ती हैं बताएं ममताजुल योम अहल मुजरिमून कोई बताएगा वमताजुल यौमा अल मुजरिम कौन बता सकता है सूरतुल ऐ मुजरिमो आज नेक लोगों से अलग हो जाओ फिर ग्रोह बना दिए जाएंगे अहल ईमान के गुरु उमा के गुरु, उल्मा के गुरु आ, 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 म्यूट कर दें अपने आप को उलमा के गुरु ओलिया के गुरु सुल्हा का गुरु शहदा का गुरु वगैरह और दूसरा सब ममताजुल योम ए मुजरिमो आज नेक लोगों से अलग हो जाओ तो मुजरिम अलग हो जाएंगे और नेक लोगों के भी गुरु गुरु बन जाएंगे ठीक है फिर क्या होगा कुफार का गुरु मुशरकिन का गुरु मुर्तदीन का गुरु मुनाफिक का गुरु फुजार का गुरु वगैरह अदालत कायम होगी हक तला फरिश्तों की माइत में नजूल अजलाल फरमाएंगे अदालत के अतराफ़ वाफ परिश्ते सब बस्तर खड़े होंगे मलाया अम्बिया ओलिया स बतौर गवाह के तलब कर लिए जाएंगे पहले मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल करेंगे अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या मैंने तुझे सोचने समझने के लिए दिल और दिमाग नहीं दिए थे सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें नहीं दी थी पिछले दस में आपकी आयत भी थी कि क्या उनकी आंखें नहीं जिसे देखते नहीं क्या उनके कान नहीं जिसे, नहीं जिसे सुनते नहीं क्या उनका दिल नहीं जिसे वो समझते नहीं थी ना ये आयत आपकी तो इबन आदम जवाब देगा या अल्लाह सब कुछ दिया था फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे फिर तुमने शिर क्यों किया मेरे नबी मोहम्मद ससम की तकजीब क्यों की मेरी नाजिल हिदायत के मुताबिक जिंदगी बसर क्यों नहीं की इम्न आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी और बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी अर्ज करेगा या मैं वाकई ज़ालिम था बस एक दफा मुझे दुनिया में भेज दे मैं मोहिब बन रहूंगा लेकिन अब तो मोहल्लत खत्म होगी दुनिया में कोई दोबारा नहीं भेजा जाएगा फिर दूसरे मुजरिम अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या मैंने तुझे माल दौलत इज़्ज़त अहलो आयाल और दूसरी नमतें नहीं दी थी इब्ने आदम जवाब देंगे या अल्लाह सब कुछ दिया था अल्लाह ताला फरमाएंगे फिर तूने मेरे लिए क्या किया इब्ने आदम कहेगा या अल्लाह मैंने दे तेरे लिए नमाज़ें पढ़ीं रोज़े रखे सद का खैराज किया पढ़ा और भी बहुत से नियम काम के अल्लाह ताली फ़रमाएगा फ़रिश तो आदम के मुँह पर मोहर लगा दो फरिश्ते कहेंगे लब्बे का वसादे कि या रब लब्बे का वसादे का अब अल्लाह ताला फरमाएंगे इब्ने आदम के आज़ा गवाही देंगे बाएरान कहेगी शख्स नमाज रोज़ा सदका खैरात तो महज मुसलमानों में शामिल रहने के लिए करता था लेकिन दिल से कुफार का कल्चर कुफार के त्योहार कुफार की तहजीब और तमदन पसंद करता था क्या करते थे पढ़ा था ना मुहर्रम के दर्श में भी कि अल्लाह के रूल ने फरमाया था कि वो नौ महर्रम का रोज़ा मूसा साम के निजात मिली फिरौन से जो है उसके लिए उसकी खुशी में रखते थे ईसाई तो आप सब ने फरमाया था कि हम मूसा से यहूद से ज़्यादा हम करीब हैं नबी होने की क्योंकि मुसलमान तो भाई भाई होते हैं नबी भाई भाई होते हैं लेकिन उनकी मुशाबहत से बचने के लिए हम नौ मुहर्रम का रोज़ा भी रखेंगे दस मुहरम के साथ तो हम नौ दस और दस ग्यारह का रखते हैं तो उनका कल्चर उनका त्यौहार उनकी तहजीब और तमदन वो कहेगा फरिश्ता ये पसंद आता है इमन आदम अपने दाएँ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी बाएँ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी अस करेगा या मैं वाक़ालम था बस एक मौका और दे दें मैं मुमिन भरकर रहूंगा अब तो मोहल्लत खत्म अजल हो गई ना अजल आ गई तीसरे मुजरिम से अल्लाह फरमाएंगे क्या मैंने तुझे आला मनसब इज़्ज़त बीवी बच्चे आरामदे घर ठंडा पानी और लजीज खाने नहीं दिए थे इबन आदम कहेगा या अल्लाह सब कुछ दिया था अल्लाह ताला, ताला फरमाएंगे तुम मेरे पसंदीदा दीन से उल्टे पांव क्यों फिर गए थे इबन आदम कहेगा या अल्लाह काफरों की ताकत क़वत और गलबे से खौफ जदा होकर मेरी बहनों किसी से खौफ ज्यादा ना हो दुपट्टा ओढ़ना पड़े डोंट बी ऑपोलॉजिस्ट अबाया पहनना पड़े दुपट्टे ओढ़ने पड़े नकाब तो हम कर ही रहे हैं हमने नकाब लाने का नहीं करते हो तो मैं बीमारी लाता हूँ मैं और आप सब सीधे हो गए हम जो है अब नकाब करते हैं और बहाने क्या थे मेरे के मेरे चश्मे पे जो है वो स्टीम जा, वो जाती है वाटर वेपर्स जाते मैं देख नहीं सकती तो क्या करना है कि अल्लाह की मान के चलना है किसी की ताकत से किसी के क़ोत से किसी के गलबे से खौफ ज़्यादा नहीं होना है सिर्फ अल्लाह की मान के चलना है अल्लाह को खुश करना है लोगों को खुश करके अल्लाह को नाराज़ नहीं करना है लोगों को नाराज़ करके अल्लाह को खुश कर देंगे तो फिर जबरील अलैहिस्सलाम वाली वो जो हदीफ़ है कि अल्लाह तला फ़रमाते हैं जब अल्लाह को राज़ी करते हैं तो अल्लाह ताली अनाउंस करते हैं ऐलान करते हैं अल्लाह तला जबरील से कहते हैं कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो जबरी आसमानों में जो है मनादी करते हैं कि अल्लाह ताली इस बंदे से मोहब्बत करते हैं तो वो फरिश्ते भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं और वो मोहब्बत फरिश्ते लोगों के दिलों में डाल देते हैं जिनको आप अल्लाह को मैं और आप अल्लाह को नाराज़ करके उनको नाराज़ करके बंदों को खुश करते थे, थे। अल्लाह खुद उनके दिलों में मोहब्बत डाल देगा अल्लाह को मैं और आप खुश करके तो देखें प्लीज करके तो देखें और फिर एक और रिवायत में आता है कि सलाम जो है हामीली ने अर्श अर्श के जो फरिश्ते उठाने वाले उनमें भी अनाउंस कर देते हैं कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करते हैं इस बंद फला फला बंदों से तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो तो अल्लाह को खुश करें तो अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत उनकी मोहब्बतों के लिए हम क्या करते हैं अल्लाह को नाराज़ कर देते ये नहीं करना है तो किसी भी किसी भी काफरों की ताकत कुत तो और गलबे से खौफ जदा होकर ये काम नहीं करना है अल्लाह की नाफरमानी कर अल्लाह तला फरमाएंगे क्या मैं इस बात का ज्यादा अवदार नहीं था कि तुम मुझसे डरते ताकत कुत और गलबे से उन्होंने कहा था ना खौफजदा होकर इब्ने आदम कहेगा या लेकिन तूने मुझे अंधा क्यों उठाया मैं तो देखने वाला था अल्लाह तू वो दुनिया में देखता था बल्ला ने उसको अंदा उठा दिया अल्लाह फरमाएंगे जिस तरह दुनिया में तूने हमारे अहकाम से मुंह मोड़ा इसी तरह आज हम भी तुमसे मुंह मोड़ रहे हैं अस्तफिर आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी अस करेगा या अल्लाह मैं वाकई जालिम था बस एक दफा मुझे दुनिया में भेज दे बेड़ मैं आपकी और उसके रसूल असम की अतात करूँगा चौथे मुजरम से अल्लाह तला फरमाएंगे क्या मैंने तुझे दुनिया में हुकूमत इकतदार इख्तियार नहीं दिया था हमें इख्तियार तो दिया है ना हमें ब्रेन देखे अशफुल मखलूक़त बना के उनके पास तो भेजा दिमागी नहीं है जानवरों के हमें तो अल्लाह ने जहन दिया है इंटलेक्ट दिया है तो हम उससे अच्छा सोच सकते हैं तो क्या मैंने तुझे दुनिया में हुकूमत इकतदार और अख्तियार नहीं दिया था और औरतों की हुकूमत तो घर पे है बच्चों पे है आदम फरमा आदम कहेगा या अल्लाह दिया था अल्लाह फरमाएंगे तुमने निज़ाम सलात नाफिस क्यों ना किया निज़ाम जक़ात निज़ाम सलात नाफिस क्यों ना किया निज़ाम जक़ात नाफिस क्यों नहीं किया नहीं होता ना इस्लामी मुल्कों में भी क्या होता है हुकूमत होती इकतदार होती तो वो दीन को नाफिज नहीं कर रहे होते इस्लाम का निज़ाम है इसमत और नाफि क्यों नहीं किया रोज रेप हो रहे हैं औरतें जो है कपड़े पहन के भी नंगी नजर आती क्यों हो रहा है ऐसा हुआ ऐसा हदूद नाफिज क्यों ना की यानी के ऐसे जो जुर्म थे ऐसे गुनाह थे जिन जिनपे अल्लाह ने कुरान में हदूद नाफिज किए सजा नाफिज किए वो नाफि क्यों नहीं की ये उनसे कहा जाएगा जिनको पास हुकूमत और इकतदार है जो रूलर्स मेरे दीन का रास्ता क्यों रोका इब्न आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी देख लें आप मेरी बहनों हर जगह सवाल है हर जगह सवाल है जो भी हमारे पास जो है वो होगा क्या होगा उदा मर्तबा अगर वाले भी हम हैं तो सवाल होगा कि क्यों ये नहीं क्या वो क्यों वो नहीं क्या अब ये जो बात आई थी ना कि आप ससम से पूछ रहे थे कि बताए अना मुरसाह के यसन का अन किसा के घड़ी के, के बारे में कयामत की घड़ी के बारे में बताएं तो एक उसमें है वो आयत हम कर लेंगे अगली दफा तो उसमें आप सबने फरमाया कि इलम गैब के बारे में इतने अब्बास रदीन का कौल है कि रसूल ने फरमाया मैं माल जमा मुझे गैब कामत की घड़ी का पता होता तो फरमाया मैं माल जमा कर लेता मुझे मालूम हो जाता कि इस चीज़ के खरीदने में नफा है मैं उसे खरीद लेता जागर मैं जानता कि उसकी खरीदारी में नुकसान है तो ना खरीदा खरीदता खुश्क साली के लिए तर साली में जखीरा जमा कर लेता आज के वक्त गिरानी के इम से सौदा जमा कर लेता कभी कोई बुराई मुझे ना पहुंचती कितनी तकलीफ़ पहुंची थी ना आप ससम को क्योंकि मैं इल्मैब से जान लेता कि ये बुराई है तो मैं पहले से ही इससे इससे जतन कर लेता लेकिन मैं ग़ैब नहीं जानता इसलिए फकीरी भी मुझ पर इतनी ही उतनी इसलिए फकीरी भी मुझ पर आती है तकलीफ़ कभी होती है मुझ में तुम ये वसफ़ ना मानो यानी मेरा ये वसफ नहीं है कि मैं आलिमुलैबू कयामत की घड़ी और गैब के जानू सुनो मुझ में वसफ़ यह है कि मैं बुरे लोगों को अजाब इलाही से डराता हूँ ईमानदारों को जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूँ ठीक है उसके बाद क्या कहा जाएगा या आहल लल जन्नति व या या आहल लल जन्नति व या आहल्नारूलूदन ला मोता एहले जन्नत और एहले जन्नब अब हमेशा हमेशा की जिंदगी है किसी को मौत नहीं आएगी और जो है एक मेंढ़ा लाया जाएगा उसको जबा कर दिया जाएगा वो मौत होगी <coughs> और फिर ये कह दिया जाएगा अहले जन्नत और अहले जन्नत और अहले जहनम अब हमेशा हमेशा की जिंदगी है किसी को मौत नहीं आएगी अहले जन्नत होंगे वो खुश हो जाएंगे कि अब तो मुझे मौत नहीं आएगी और अहले जहन्नुम है वो कहेंगे कि काश मौत आ जाए क्योंकि आग देख रहे होंगे आग का अज़ाब भुगतना है उनको इसलिए वो कहेंगे कि काश के मुझे मौत आ जाए तो और जन्नती खुश हो जाएंगे कि अब मौत नहीं आएगी मौत और ये सारा खतरा मतलब खौफ तो दुनिया में है ना तो वो मेंढ़ा जो जबा किया जाएगा फिर जिन्होंने बहुत ज्यादा जिक्र असकार किए होंगे वो भी कहेंगे कि वो भी आस और अफसोस और हसरत करेंगे और जो है जिन्होंने अल्लाह को मान के नहीं चले वो तो और अफसोस और हसत करेंगे ही हम क्यों अगर अल्लाह की मान के चलते रसूलों को मानते हैं अल्लाह के हुक्म मानते तो जन्नत में होते और जो नेक लोग क्यों ख्वाहिश करेंगे कि इसलिए कि वो जो अपने इनामात देखेंगे जो जन्नत के दर्जे देखेंगे जो देखेंगे कि इतना अजर मिला तो वो कहेंगे कि काश हमने और अच्छी नमाजें पढ़ी होती और ज्यादा रोजे रखे होते और यानी फ़र्ज के अलावा फ़र्ज भी बहुत अच्छे एक्सीलेंस के लेवल पर ऐसा तरीके पे नमाज भीज़्ल व तज़ल खुशी व खजू से पड़ी होती सारे काम एक्सीलेंस के लेवल पर ऐसन तरीके पे किए होते और ज़्यादा से ज़्यादा किए होते हुकूकुक इबाद तो हमें और ज़्यादा अच्छे लेवल और अच्छे दर्जात हमें जन्नत के मिलते ठीक है तो लेकिन फिर जन्नत में जाने के बाद ये जो चीज़ जो दिमाग दिलों में आएगी वो ख़त्म हो जाएगी जब जन्नत में चले जाएंगे जन्नत से पहले सारी चीज़ें जहन में आएगी तो पस ए अल्लाह और योम आखिर पर ईमान रखने वालों ए दानाओ बिना लोगों है होशो खिद रखने वालों फैसले की घड़ी से पहले पहले नवा जबील को जरा गौर से सुनो या आन हक का तुका वाला तम तुन्ना तुम मुस्लिम ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से इस डरो जिस तरह उससे डरने का हक हाँ है और तुम्हें मौत ना आए मगर इस साल में कि तुम मुसलमान हो सुरतल इमरान आयत नंबर एक सौ दो या हम इसी तरह डरें ईमान हमें ईमान लाने वाला कहना यजी अमन कौन है या उ लजीना मैं और आप अतकुल्ला अल्लाह से डर रहे अल्लाह से हमें डरने वाला बना दे हक़ का तुकाते जिस तरह उससे डरने का जिस तरह अल्लाह से डरने का हक़ है वैसे ही हमें डरना चाहिए और तुम्हें बला तम तुन्ना तुम मुसलमून और तुम्हें मौत ना आए मगर इस साल में कि तुम तुम मुसलमान हो हम पक्के सच्चे मुसलमान हो अल्लाह और उसके रसूल की तुम तो की मान के चलने वाले इस किताब को पढ़ने पढ़ाने वाले और अमल करने वाले फैलाने वाले हों फिर कौन है जो अल्लाह से डर जाए और अपनी मौत तक इस्लाम पर साबित क़दम रहे अल्लाह हमें हमें उनमें से बना दे कि हम अल्लाह से डरने वाले हों और अल्लाह का जो है जिस तरह उससे डरने का हक है वो हक अदा करें और जो है अपनी मौत तक इस्लाम पर साबित क़दम रहें किसी के गलबे किसी के इकतदार के दोस्त से ना डरे किसी के कि दोस्ती छिन जाएगी मुझे दुनियावी फायदे नहीं होंगे बहुत होंगे अल्लाह ताला मोहब्बतों के लिए लोगों की अल्लाह को नाराज़ ना करे ब, आ, आ, लोगों को खुश करने के लिए हमें उन अल्लाह उनमें से बना दे देना सर उ जन्नतफिर दौसल अल्लाह हमें सरात मुस्तकीम पे चला भी दीजिए सरात मुस्तकीम दिखा भी दीजिए और उस पर अमल करने वाला भी बना दीजिए तो अभी है कि आज की दुआ हमने लास्ट हमारे दर्स में जो है ये ग्यारह मकबूल दुआएं हमने जो है वो पढ़ी थी मतलब तो अब इसमें से जो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी दुआ जो है ना उसको हम देख लेते हैं अल्लासा बेअनी अशद ंतदल लम यलिद वलम यूल वलम यक़ुल्लहू क़ुफ़ुआन अहद तो ये दुआएं जो जितनी हैं उनको मांग के जो दुआ मांगते कबूल है, होती हैं उसके इसमें अल्लाह के इन इन्सफ़ाती नाम है इसमें आज़म है ठीक है अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ क्योंकि मैं गवाही देती हूँ बेशक तू ही अल्लाह है तेरे सिवा कोई माबूद बरफ नहीं तो अकेला बेनियाज है जिससे ना कोई पैदा हुआ और ना ही वो किसी से पैदा हुआ और ना ही उसका कोई हमसर है तो मकबूल दुआ है तो ये अलग से आपको हदीस बता दी जाती इसके अंदर इसमें आजम है जिसके साथ दुआएं की जाए तो कबूल होती है रसूल अल्लाह ससम मस्जिद में गए तो देखा कि एक आदमी अपनी नमाज पूरी कर चुका है और तशहद में है और कह रहा है अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका या अल्लाहु बे अन्न कलवाहिदुल आहदुस समदुल लजी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुन अनत फिरली गनूबी का अंतल ग़फ़ोर रहीम अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ अल्लाह तुझी से इसलिए कि तू ही एक ऐसा तन तना बे है जिसने ना तो किसी को जना है और ना ही वो जना गया है और ना ही इसका कोई हमसर है लिहाजा तू मेरे गुनाहों को बख्श दे तू ही रहीम यानी बख्शने वाला और रहम करने वाला है जब ये पढ़ रहा था ना तो रसूल अल्लाह सस ने तीन बार फरमाया इसके गुनाह बख्श दिए बख्श दिए गए ठीक है तो उसके गुनाह तो ये दुआ मांग के कोई दुआ मांगेंगे ये जो 11 दुआएं दिखाई उनमें से एक ही हदीस आपको दिखा दी गई तो दुआ कबूल होती है ठीक है तो दुआ मेरे साथ पढ़ें अल्लाहुम मक़बूल दुआ है Eh la, सवाल करती मैं गवाही देती हूँ तू ही अल्लाह है तेरे सिवा कोई महबूद बरख नहीं तू अकेला भी न्याज है जिससे ना कोई पैदा हुआ और ना ही वो किसी से पैदा हुआ और न कोई हम, उसका कोई हमसर है तो ये दुआ मांग जो भी दुआ मांगते हैं कबूल हो जाती है इनशा हमने मांग ली कबूल हो जाएगी हमारी अल्लाह इनशा तब इन समीम वतुबालई न काम ए हमारे रब तू हमसे कबूल तू ही सुनने वाला और जानने वाला है जो भी गलती हुई अल्लाह मेरी तरफ से थी अल्लाहमी या शैतान

वरकूँ तो बहन तो। को कुछ कहना हो तो कहें वरना मैं आपकी इजाजत से मैं मीटिंग को एंड करती हूँ इनशा कल इंग्लिश में दर्स है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले खुद भी आए और इनशाला फिर मंडे को हमारी ये आराब इनशा मंडे को कंटिन्यू करेंगे इनशाला कुछ कहना है किसी को तो कह दें वरना मैं कंक्लूड करती हूँ कुछ बात रखना चाह रहा है इस दस के मुतालिक